अगर किसी बच्चे ने कुछ नहीं भी पढ़ा ना, तो भी इस वीडियो से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें इम्पॉर्टेंट PYQs तो बताने ही वाली हूँ, साथ में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, क्या इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है तुम्हें सबसे पहले करनी है। पर उसके साथ ये सारी चीज़ें करनी कहाँ से है, ठीक है ना, कौन सी इंपॉर्टेंट वीडियोस, मतलब यूट्यूब पर जितनी भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस थे ना, जो मुझे लगा कि अभी जो तुम्हें 3-4 दिनों में हेल्प करने वाली है, उसमें मैराथन भी है, किसी बच्चे ने अगर 5 घंटे की फुल फ्लेज केमिस्ट्री रिवाइज करनी है 5 घंटे में, तुम्हें वो वीडियो नीचे मिल जाएगी। अगर किसी को केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चंस देखने हैं, वो वीडियो भी मैंने नीचे टैग कर दी है, ठीक है। किसी को ऑल्ट मतलब जितने भी हमारे टेस्ट आते हैं ऑर्गेनिक में, उनका डिफरेंसेस वाला पढ़ना है, वो भी मैंने दे रखा है। नेम्ड रिएक्शंस कैसे सॉल्व करनी है, उनके क्या मैकेनिज्म है, वो भी मैंने नीचे वीडियो डाल दी है। मतलब जितनी भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस, कौन से यूट्यूबर की है, कौन सर है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, बट ये सारा बेस्ट कॉन्टेंट है, ठीक है, जो तुम्हें हेल्प करने वाला है। तो इतनी बड़ी जो तुम्हारी दिक्कत है ना, वो सॉल्व कर दिया, तुम्हें रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, बस सिर्फ तुम्हें बैठ के पढ़ना है। अब वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोज़ को चेक करने से पहले तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, तो तुम्हें क्या चीज़ पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो तुम्हारा एक तो ना, पहले तो मुझे बताओ आज का पेपर कैसा गया था, पेपर लेंथ ही लगा, इजी था, कैसा था, कमेंट करके बताओ। अब कमेंट कर दिया, अब मानो पेपर जैसा भी था उसको भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि कुछ हो सकता है, कुछ बच्चों को अभी भी लग रहा हो यार पेपर ऐसा जाना चाहिए था, वैसा जाना चाहिए था, ज़्यादा सोचना नहीं है, जो भी इस पेपर से लर्निंग ली या ये मिस्टेक होगी उसको बस दिमाग में रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब जो अगला मौका है वो है इस पेपर पे वार करने का। तो ऐसा ना हो कि तुम गिल्ट के चक्कर में ज़्यादा फ़ोन चलाने लग पड़ो या दुखी हो जाओ, आज का दिन वेस्ट कर दो। तो आज का दिन हमें वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो देखो कैसे टाइम मैनेज करना है, सबसे पहले तुम्हें ना अपना डिवाइड कर लेना है, तुम्हें 4.5 डेज नहीं देखने, तुम्हें देखना है तुम्हारे पास सिर्फ 3.5 दिन है, ठीक है, 3.5 डेज, एक दिन जो हम बचा के रखेंगे अपना। क्यों बचा के रखेंगे, देखो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको पता है फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी मिला के 50% है 37 मार्क्स की, और ऑर्गेनिक तुम्हारी 35 मार्क्स की आने वाली है, तो ये दोनों 50-50 है। आज का जो आधा दिन है उसमें तुम ये दो चैप्टर्स कर लो, बायोमोलिक्यूल्स और अमाइन वाला, इजी चैप्टर है, ठीक है, इनको टारगेट करेंगे। फिर जो 23rd वाला दिन होगा उसमें जो हमारे फिजिकल वाले सारे, फिजिकल केमिस्ट्री का हम बाकी सारे चैप्टर करने वाले हैं, राइट। देन 24th को हम करने वाले हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के हमारे पास 2 चैप्टर्स है, फिजिकल के हमारे पास 3 चैप्टर होने वाले हैं। पूरा मैं अभी तुम्हें बताऊंगी कि फिजिकल में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, किस चीज़ पे इंपॉर्टेंस देनी है, फिर इनऑर्गेनिक के बारे में भी बात करेंगे। फिर उसके बाद 24 तारीख को रात को, अगर तुम्हें लगता है कि यार अभी इनऑर्गेनिक पढ़ के थोड़ा बोर हो गया, तो रात को हम उठा लेंगे ऑर्गेनिक, और 25 का पूरा तारीख हम ऑर्गेनिक को देने वाले हैं। ये हमारा एक मोटा मोटा प्लान रहेगा। अब इसको तुम चेंज करना चाहो तो तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि भाई मुझे सबसे पहले फिजिकल नहीं शुरू करनी, मुझे इनऑर्गेनिक करनी है, तो तुम पहले दिन इनऑर्गेनिक उठा लो, ऊपर नीचे कर सकते हो, बट सीधा ऑर्गेनिक पर जंप मत करना, क्योंकि रिएक्शंस बड़ी बड़ी होंगी। सबसे पहले कोशिश करना फिजिकल निपटा लेना, ईजी है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है, तुम्हारे ग्राफ्स रहने वाले उसमें, जो कि ज़्यादातर बड़े सोल्यूशन वाले चैप्टर से होंगे, केमिकल काइनेटिक वाले चैप्टर से होंगे, फिर तुम्हारे डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, राइट, देन डेफिनेशंस होंगी, लॉज होंगे, उसकी एप्लीकेशन, हेनरी लॉ क्या है, हैंस लॉ क्या है, उसकी एप्लीकेशन बता दो, ऐसे ऐसे ऑस्मोसिस डिफरेंस, ऐसे वाले जो क्वेश्चन है ना उन पर फोकस करना है, प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, ठीक है, देन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, और उसी के तुम्हें ग्राफ वगैरह बनाने देते हैं। न्यूमेरिकल्स तुम्हारे आएंगे बट वो क्वेश्चन के बेस्ड ही आएंगे, ये भी सारी बातें करते हैं, अभी पहले मेन बात समझ लेते हैं, ठीक है। तुम्हारी दिन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आज का दिन तो तुम ये दो करने वाले हो, पूरी रात है तुम्हारे पास, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक बैठ के पढ़ना है हमको, अपना बेस्ट देकर आना है, और अपनी जो भी हमारी परसेंटेज है उसको बस दिमाग में रखना है कि भाई इतनी परसेंटेज चाहिए हमें इस पेपर में, तो इतना तो अपने एफर्ट्स डालने हैं। फिर हम सबसे पहले करेंगे अपने टफ वाले चैप्टर, फिर उसके बाद करेंगे मीडियम, फिर करेंगे ईजी। हर दिन को तुम इस तरह से शुरुआत कर सकते हो, या तो सबसे पहले टफ कर लो फिर मीडियम कर लो, या फिर इजी, या फिर उल्टा कर लो, सबसे पहले तुम इजी कर रहे हो फिर मीडियम कर रहे हो फिर टफ कर रहे हो। सबसे पहले टफ करोगे तो सुबह दिमाग फ्रेश होता है, इजी रहेगा तुम्हारे, सबसे पहले टफ निपटा लोगे जो भी तुम्हारे चैप्टर टफ लगते हैं, फिर शाम को थोड़ा थक जाते हैं, काफ़ी पढ़ लिया होता है, खाना वाना भी खा लेते हैं, तो मीडियम वाले कर लेंगे। रात को जब तुम्हें लगता है कि यार रात को मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है, मैं थोड़ा दिन में पढ़ने वाला बचाऊँ, तो तब मैं ईजी कर लूँगा। अगर तुम उल्टे हो तो मैं रात को तुम ज़्यादा एक्टिव रहते हो, तो भाई रात को हम टफ कर लेंगे, दिन में अपने मीडियम करेंगे, सुबह उठ के सभी सबसे ईजी कर लेंगे,
होते हैं ना कुछ बच्चे जिनको सुबह दिन में सुस्ती पड़ी होती है यार, तब सुबह ईजी कर लेंगे, तो जैसा तुम्हें सही लगे। अब जल्दी से मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट्स दिखा देती हूँ, मतलब तुम इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लिए हैं तो ये सभी के स्क्रीनशॉट्स ले लो। हर चैप्टर में तुम्हें कोशिश करनी है कि भाई सबसे पहले ना यही वाले टॉपिक्स करने हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे 80% वेटेज कवर करने वाले हैं उस चैप्टर की, राइट। तो ये वो 20% इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको तुम्हें सबसे पहले निपटाना है। तो जल्दी से लेते चलो स्क्रीनशॉट। ये तुम्हारा चैप्टर 1, 2, ठीक है, नर्नेफ्ट इक्वेशन वगैरह आ गया, 3, वीडियो को पॉज करते चलो और स्क्रीनशॉट लेते चलो। ये जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये PYQ के बेस्ड पे रिसर्च करके लिखे गए हैं कि PYQs में बार बार इन्हीं से इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब ऑर्गेनिक, ठीक है, अब यहाँ पे जो एल्डिहाइड अल्फिनोल्स वाला चैप्टर मैंने नहीं लिखा क्योंकि उसमें से ज़्यादातर तुम्हें नेम्ड रिएक्शन ही आने वाली है, तो वहाँ से जो है नेम रिएक्शन, ये जो पहली दो नेम रिएक्शन है ये तुम्हारे हेलोकेन और हेलोरिन वाली में से है, बाकी जो सारी है ना तुम्हारी बाकी के तुम्हारे जो चैप्टर है उनमें से है। नेम रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका मैकेनिज्म याद कर लेना, ठीक है, प्रेपरेशन इनकी तरह से अच्छी तरह से याद कर लेना, और ये नेम रिएक्शंस का भी तुम एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये सारी की सारी नेम रिएक्शन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे चलते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स वाला, ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये टेस्ट देख लेना। और इनकी जो वीडियोस है ना, मैंने नीचे तुम्हें सबसे जो बेस्ट वीडियोस मुझे यूट्यूब पर मिली कि भाई इनसे मेरे स्टूडेंट्स का हो जाएगा, ठीक है, जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनका बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे केमिस्ट्री में, वो सब देख लेना। देन ये आ गया तुम्हारा पास बायोमोलिक्यूल्स, राइट। तो ये था हमारा सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नेम रिएक्शन, जिस पे हमें ध्यान रखना है। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें मैनेजमेंट समझ आ गई, हमने डे को कैसे प्लान करना है, कैसे फोकस करना है, तुम्हें रूटीन पता लग गई, सबसे पहले तुम्हें टफ वाले करने हैं या फिर ईजी वाले, जो भी मैंने अभी तुम्हें बताया था। अब जो मैंने तुम्हें वीडियोज़ दे रखी है ना, अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरे सच में कुछ नहीं आता, तो उसमें एक वीडियो है जिसमें 5 घंटे में तुम्हें पूरी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं। या तो अगर तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ कुछ चैप्टर्स नहीं आते, तो आप उन चैप्टर्स के लिए 1 शॉट वीडियो देख लो, ठीक है, वो 1 शॉट वीडियो आप देख लेंगे, 30 मिनट्स की देख लेना, जो रिवीजन वाली होती है उनमें भी सब कुछ दे रखा होता है। अगर तुम्हें लगता है यार मैं तो सच में बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे सच में वो फील भी नहीं आ रही, मन ऐसे डर लग रहा है ज़्यादा, तो 5 घंटे वाली जो वीडियो है वो देख लेना, उसमें फुल केमिस्ट्री के तुम्हें इंपॉर्टेंट PYQs भी साथ साथ में करवाए हैं, साथ में कॉन्सेप्ट्स भी बता रखे हैं। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में 5 से 6 वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जो कि सारी इंपॉर्टेंट है, एक एक बार खोल के देख लेना। अगर तुम्हें लगे कि हाँ यार कुछ एक टॉपिक पे 2-3 वीडियोस भी मिल जाएंगे, जो भी टीचर तुम्हें सही लगे तुम उनसे पढ़ सकते हो। तो चलो अब यहाँ पे वीडियो को तो मैं एंड कर देती हूँ। तुम मुझे बताओ भाई तुम्हें पेपर वगैरह टेंशन वेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है, अपना बेस्ट दे के आना है, तुम्हारी लास्ट क्लास है क्लास 12th, इसके बाद तुम्हारे मजे हैं, है ना, बस एकदम चिल रहो, रिलैक्स करो, अपनी पूरी मेहनत डाल देंगे, अपना पूरा बेस्ट देने वाले हैं, ठीक है। बाकी वीडियो से हेल्प हुई हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बता देना, पेपर अगर बहुत अच्छा जाए और इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी हो तो कमेंट कर देना पेपर के बाद आके कि दी बहुत अच्छा हुआ पेपर, तो मुझे भी तुम्हारी तरफ से बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ओके चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय, टेक।